अच्छा सुनो, ये सब खत्म करने के बाद तुम कोरिया छोड़ दोगे क्या? यहां क्यों नहीं रह जाते? सुनो, मैं तुम्हें बाबेल ग्रुप का लीगल एडवाइजर बनाऊंगा, सीधे डायरेक्टर। नहीं थैंक्स। तुम्हारा सारा ध्यान तो खाने की तरफ है, और इस सब के बाद अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझसे मिलकर जाना। माफिया फिल्मों में जाते वक्त पार्टी करते हैं ना? माफिया में कभी कभी हफ्तों लंबी फेयरवेल पार्टीज चलती हैं। तो तुम्हारी पार्टी कम से कम एक हफ्ता चलनी चाहिए। हाँ, जेंगहान सेओ, उसकी कोई खबर मिली है? नहीं, आजकल वो शांत है। अगर हमने सारे सबूत दे दिए फिर तो वो जिंदा नहीं बचेगा ना? अभी कुछ नहीं कह सकते। 2 महीने बाद वो रिहा हो जाएगा। देखो, मैं चाहता हूं तुम अभी विदेश निकल जाओ, बस कुछ महीनों के लिए, ठीक है? जब वो बाहर आएगा तो सबसे पहले उसका निशाना तुम होगे। मैं कुछ महफूज जगहें बता दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। पता था मुझे कि मैं खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं, और मैंने तुमसे वादा भी तो किया था। अपना वादा बाद में निभा लेना, अभी इसके बारे में सोचो। नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। मेरे पास 20 बॉडीगार्ड्स हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं है। और उससे बड़ी बात, इनके अलावा मेरे पास तुम भी, तो तुम सब जानते हो, मेरी जान बचाओगे, सबको मारोगे, है ना? कुछ नहीं होने दोगे मुझे। तुम यार क्यों तुम इतने स्टाइलिश? अरे नहीं नहीं नहीं, वो सोई सॉस है, छोड़ो। सॉरी यार, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। क्या किया जाए कि मिस्टर चिंग को बाहर निकाल सकूं?